गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स वो आर वाचिंग दिस वीडियो. माय सेल्फ डॉक्टर के सी सोनी, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट लोया पीजी कॉलेज चूरू, एफिलिएटेड टू महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर. इन द लेक्चर सीरीज ऑफ एंटोमोलॉजी टुडे आई विल डिलीवर माय टॉक on physiology of digestion and absorption. तो एंटोमोलॉजी की व्याख्यान वाले की श्रृंखला में आज मैं इंसेक्ट में डाइजेशन कैसे होता है, पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और इसका रेगुलेशन कैसे होता है, इन सभी बातों को एक नट सेल में बहुत ब्रीफ समरी के रूप में मैं आपसे शेयर करूँगा. पिछले व्याख्यान में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था और आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके दो मेन पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल और सैलिवरी ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनाल को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया था जिसमें स्टोमोडियम था, मेजेंट्रोन था, प्रोक्टोडियम था और इससे एसोसिएटेड लार ग्रंथियां थी. अब डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है तो ये जो टॉपिक है इसको मैं चार एस्पेक्ट में कंप्लीट करूँगा. चार बातों पे फोकस करते हुए मैं ये व्याख्यान कंप्लीट करूँगा. पहला एस्पेक्ट रहेगा अपना सेलिवेशन का. इसके अंदर सेलाइवा कैसे सीक्रेट होती है, सेलाइवा में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं और इंसेक्ट की लार ग्रंथियाँ जो है वो कितने टाइप की है, क्या क्या उनका मेन फंक्शंस हैं. तो फर्स्ट पार्ट में सेलिवेशन रहेगा. इसके बाद में सेकेंड जो पार्ट है ये डाइजेशन पर रहेगा. इसमें डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन कहाँ का संपन्न होता है, एलिमेंट्री कैनाल के किस किस पार्ट्स में किन किन फूड मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन होता है, क्या क्या एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं. और डाइजेशन के बाद में तीसरा जो पार्ट इसमें रहेगा वो रहेगा एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि पाचन के दौरान जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है फूड स्टफ्स के वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन सिंपल मॉलिक्यूल्स का फिर इंटेस्टाइन के अंदर अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है. आहनाल के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, कौन कौन सी विधि से होता है, उन सभी बातों को मैं इसमें शेयर करूँगा. और इस व्याख्यान का लास्ट जो पार्ट रहेगा वो फिर है इसके अंदर रेगुलेशन. तो पूरे पाचन तंत्र का, डाइजेशन का, अवशोषण का नियंत्रण कैसे होता है, रेगुलेशन कैसे होता है, इन सभी बातों पे फोकस करते हुए मैं आज का व्याख्यान ये कंप्लीट करूँगा. लेकिन उससे पहले डाइजेशन, चूँकि चैप्टर डाइजेशन का है तो डाइजेशन की सिंपल डेफिनेशंस क्या हो सकती है. डाइजेशन क्या होता है कि डाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड में जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड सब्सटेंस में, फूड स्टफ्स में, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एंजाइमेटिक एक्शंस के द्वारा सिंपल सॉल्युबल और अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये ओवरऑल प्रक्रिया जो होती है ये डाइजेशन कहलाती है. इसको और सिंपली मैं डिफाइन करूँ तो डाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स और फूड स्टफ्स आर कन्वर्टेड इंटू सिंपल सॉल्युबल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स. यानी पाचन वह जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल खाद्य पदार्थों का रूपांतरण सरल खाद्य पदार्थों में हो जाता है और ये सरल खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो अवशोषण के योग्य होते हैं. अवशोषण होने के बाद में इनका बॉडी में फिर एसिमिलेशन होता है. अब आपको पता है कि इंसेक्ट हैं उनकी फीडिंग हैबिट अलग अलग तरह की होती है. कुछ इंसेक्ट फाइटोफेगस हैं, कुछ इंसेक्ट एंटोमोफेगस हैं, कुछ कार्निवोरस टाइप के हैं, कुछ ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स हैं. तो फाइटोफेगस इंसेक्ट जो होंगे उनके अंदर फूड स्टफ अलग तरह के होते हैं, कार्निवोरस इंसेक्ट जो होते हैं उसे फूड स्टफ अलग तरह के होते हैं. इसके अलावा ये अब नॉर्मल प्रोडक्ट भी खाते हैं, क्यों इंसेक्ट जो है वो चमड़ों को भी खा जाते हैं. घरों में जैसे जूते पड़े हों, कोई लेदर की बैग पड़ी हो, लेदर का कोट पड़ा हो है तो उसको ऑर्थोप्टेरा के इंसेक्ट वो खा जाते हैं, बाल खा जाते हैं, केराटिन है उसको भी ये खाते हैं. तो अब नॉर्मल फूड प्रोडक्ट है उसको भी ये डाइजेस्ट करते हैं,
उसमें भी एक अलग से एक शॉर्ट व्याख्यान मैं आपको डिलीवर करूँगा। तो यहाँ पर भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो डाइजेशन के बाद में मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं वो लास्ट में एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जितनी भी फैटी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जितने भी न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो सारे लास्ट में न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोलेजन है उसको ये डाइजेस्ट करते हैं, केराटिन को डाइजेस्ट करते हैं, सिल्क फाइबर्स को ये डाइजेस्ट करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि इंसेक्ट की जो फीडिंग चॉइस है वो डाइवर्स प्रकार की है, और इसमें नॉर्मल डाइजेशन भी है, अबनॉर्मल डाइजेशन भी है। लेकिन सिंपली डेफिनेशन जैसे मैंने बताया आपको बताई अभी कि डाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इंटू सिंपल सॉल्यूबल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। अब इसके बाद में इसका जो फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज सेलिवेशन। सेलिवेशन क्या है, सेलिवेशन का मीनिंग क्या है, और इंसेक्ट में कौन कौन सी जैसे ग्लैंड्स पाई जाती है। तो सेलिवेशन का सबसे सिंपल मीनिंग है कि सिक्रीशन ऑफ सेलाइवा, यानी लार का श्राव करना, सेलिवरी ग्लैंड से लार का सिक्रीशन करना, और सेलाइवा के सिक्रीशन की जो परिघटना है, जो फिनोमिनन है, ये सेलिवेशन के नाम से जाना जाता है। और इंसेक्ट में जो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं इनको दो मेन ग्रुप में अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ग्लैंड्स तो वो हैं जो पाचन से संबंधित होती है, इन ग्लैंड्स को डाइजेस्टिव ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। सेकेंड ग्लैंड्स वो हैं जो विशेषकर ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स में पाई जाती है, और ब्लड सकिंग इंसेक्ट का मेन पर्पज ये होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो, जब ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी तो फिर इंसेक्ट ब्लड को सक नहीं कर पाएगा। तो सेकेंड जो ग्रुप है इसमें दैट इज एंटीकोएगुलेशन ग्रुप। इसलिए इंसेक्ट में जो लार ग्रंथियां हैं इन लार ग्रंथियों को मेजरली मेजॉरिटी ग्रुप से दो सब ग्रुप में अपन डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्रुप, सेकेंड हो जाएगा ग्लैंड्स ऑफ एंटीकोएगुलेटिंग ग्रुप्स। अब डाइजेस्टिव ग्रुप की जो ग्रंथियां होती है ये मेनली पाचन से संबंधित होती है, इसमें लार का स्राव होता है, और लार के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, जितने भी प्रोटीजेज हैं, जितने भी लाइपेजेज एंजाइम हैं वो सारे के सारे इसमें पाए जाएंगे। अब इन ग्रंथियों की स्ट्रक्चर कैसी होती है ये पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताया है। कुछ लार ग्रंथियाँ हैं वो तो अंगूर के गुच्छे के समान होती है, जिनको एसिनार टाइप की ग्रंथियों का संबोधन किया था आपने, और कुछ ग्रंथियाँ हैं वो नलिकाकार होती है, वो ट्यूबुलर टाइप की है। तो इंसेक्ट में जो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं वो दो टाइप की होती है, एक तो एसिनार टाइप की और एक ट्यूबुलर टाइप की। अब इसका जो सेकंड ग्रुप है एंटीकोएगुलेट ग्रुप, एंटीकोएगुलेंट ग्रुप ये उन इंसेक्ट्स में पाई जाएगी जो मेनली खून को चूसते हैं, जैसे मच्छर है, मान लीजिए मॉस्किटोज हैं, एनोफ्लीज हैं, इसके अलावा और कोई ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स हैं। तो ये इंसेक्ट क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर जब भी पंक्चर करेंगे तो ये अपनी लार को ब्लड के अंदर मिक्स करते हैं, और इनके अंदर एंजाइम होता है एंटी कोएगुलेटिंग एंजाइम्स होते हैं, और उन एंटी कोएगुलेंट्स के कारण क्या होगा, ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, रुधिर का स्कंदन नहीं हो पाता है, और ब्लड जो है वो डाइल्यूट फॉर्म में बना रहता है। और ब्लड डाइल्यूट फॉर्म में होता है तो फिर ये इस ब्लड को ये इंसेक्ट क्या करते हैं, चूसते हैं, रक्त को शक करते हैं, और शक करने के बाद में इनके जो फॉरगट के अंदर ये जो होता है अपना जो अडेप्टेशन होती है, फिल्टर चैम्बर होते हैं, उन फिल्टर चैम्बर में इनका जैसे लंबे समय तक स्टोरेज होता है, और इंसेक्ट एक बार में खून चूस लेते हैं, एक बार चूसने के बाद में इनका कई दिनों तक जो है वो काम चल जाता है, क्योंकि एक्सेस क्वांटिटी में ब्लड को शक कर लिया जाता है, और उसका फिर धीरे धीरे डाइजेशन होता है। तो ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है सेलिवेशन, और सेलिवेशन में क्या होगा, लार जो है वो स्रावित होती है, और लार चूँकि मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव ग्रुप के जो एनिमल्स होंगे इसके अंदर तो सेलाइवा स्रावित होगी, इसके अंदर पाचन करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट हैं,
और एंटीकोएगुलेंटिक ग्रुप की जो ग्रंथियां हैं ये एंटीकोएगुलेंट का स्राव करती है, जिसके कारण ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है और ब्लड को जो है वो सक कर लिया जाता है। हाँ, इसके बाद में इसका फिर सेकंड जो पार्ट है दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन अब अपने ह्यूमन के संदर्भ में देखें तो पहले मैकेनिकल डाइजेशन होता है, फिर इसमें केमिकल डाइजेशन होता है। जैसे अपने दांतों से अपन भोजन चबा रहे हैं, ये मैकेनिकल डाइजेशन है। या घर में कोई जैसे चूरमा बना रहे हैं अपन, चूरमे को मूसली से कोट कोट के उसको बुरादे के रूप में कन्वर्ट कर दिया, ये भी एक तरह का मैकेनिकल डाइजेशन है। लेकिन इंसेक्ट में क्या होगा कि कुछ डाइजेशन है वो तो आहार नाल के अंदर होता है, मेनली मीट गट के अंदर, और कुछ डाइजेशन है वो पाचन तंत्र के अग्र भागों में होता है, जिसको एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल डाइजेशन के रूप में अपन मान सकते हैं। तो यहाँ पर डाइजेशन वाला जो पार्ट है इसको मैं दो हिस्सों में कन्वर्ट करूँगा, एक तो डाइजेशन एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल टाइप का, एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल और सेकंड हो जाएगा इसका इंटेस्टिनल डाइजेशन। तो पाचन की प्रक्रिया दो प्रकार की हो जाएगी, एक तो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल डाइजेशन और सेकंड हो जाएगा इसमें इंटेस्टिनल डाइजेशन। अब एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल डाइजेशन जो है, अब इसमें मैंने आपको बताया कि कुछ इंसेक्ट हैं वो फाइटोफेगस प्रकार के हैं, यानी शाकाहारी प्रकार के हैं, कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो मांसाहारी है यानी कार्निवोरस है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डाइजेशन जो है इसको भी मैं दो फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड करूँगा। पहला ग्रुप तो हो जाएगा फाइटोफेगस या शाकाहारी इंसेक्ट, और सेकेंड ग्रुप हो जाएगा कार्निवोरस या मांसाहारी इंसेक्ट। अब फाइटोफेगस में क्या होगा, मेनली ये प्लांट फीडर्स हैं, और प्लांट में आप जानते हो यदि सेल की आपने स्टडी करी हो तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में, लेकिन प्लांट सेल में क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति और होती है, सेल वाल और होती है, और सेल वाल के अंदर सेलुलोज भी होता है, पेक्टिन भी होता है, लिग्निन भी होता है और केमिकल्स भी होता है। तो फाइटोफेगस इंसेक्ट में क्या होगा, इनके अंदर सेलाइवा जो होती है उसमें पेक्टिनेज एंजाइम स्रावित होता है, मेनली सबसे पहले पेक्टिनेज एंजाइम सिक्रीट होता है, और पेक्टिनेज एंजाइम जो होता है ये पेक्टिन को डाइजेस्ट करेगा, क्योंकि कोशिका भित्ति के अंदर पेक्टिन के मॉलिक्यूल्स हैं, पेक्टिन के मॉलिक्यूल इस पेक्टिनेज के द्वारा डाइजेस्ट हो जाएंगे, और सेल वॉल जब डाइजेस्ट हो जाएगी उसके बाद में ये प्लांट का जो प्रोटोप्लास्ट है, प्लांट का जो सैप है उसको ये सक करते हैं, और उसका फिर इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होता है। तो फाइटोफेगस इंसेक्ट में पेक्टिनेज एंजाइम का यूज किया जाएगा। अब दूसरी तरफ कार्निवोरस ग्रुप के जो इंसेक्ट है, अब कार्निवोरस ग्रुप के जो इंसेक्ट हैं इनका मेन प्रोडक्ट क्या होगा, कोई भी एनिमल्स हो सकता है, और एनिमल्स की जब सेल को ये पंक्चर करेंगे, सेल को जब ये तोड़ेंगे तो अपनी बॉडी में सेल्स के बीच में हाइलुरोनिक एसिड्स पाए जाता है कोशिकाओं को जोड़ने के लिए, एक तरह का सीमेंटिंग सब्सटेंस है, और हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करना हो उसके लिए हाइलुरोनिडेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो जितने भी कार्निवोरस इंसेक्ट जो होंगे इसके अंदर हाइलुरोनिडेज एंजाइम का सिक्रेशन होता है, हाइलुरोनिडेज, और हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो होता है ये हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। और हाइलुरोनिक एसिड के द्वारा
सेल्स डाइजेस्ट हो जाएगी, सेल्स के बीच का जो इंटरसेलुलर सीमेंटिंग सब्सटेंस है वो डाइजेस्ट हो जाता है, और उसके बाद में फिर अन्य जो एंजाइम्स हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जैसे प्रोटीज हो जाएंगे, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले लाइपेज हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले कार्बोहाइड्रेजेज हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इंटरनल डाइजेशन में इंसेक्ट के दो ग्रुप हो गए, फाइटोफेगस इंसेक्ट और कार्निवोरस इंसेक्ट। फाइटोफेगस इंसेक्ट जो होंगे ये पेक्टिनेज एंजाइम का सर्व करेंगे, और कार्निवोरस इंसेक्ट जो होंगे ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम का सर्व करेंगे, जो सेल के बीच में प्रेजेंट सीमेंटिंग सब्सटेंस हाइलुरोनिक एसिड होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं। अब एक्स्ट्रा इंटरनल डाइजेशन जब हो गया, अब भोजन किस में आ रहा है? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, आहार नाल में। और आहार नाल में पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताया कि आहार नाल है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है वो फोरगट या स्टोमोडियम, सेकंड पार्ट है मिडगट, थर्ड पार्ट है हाइंडगट। तो इसका जो सेकंड पार्ट है इंटेस्टाइनल डाइजेशन, और इस डाइजेशन को भी मैं तीन पार्ट में सब डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट तो इसका हो जाएगा डाइजेशन इन फोरगट, या डाइजेशन इन स्टोमोडियम। सेकेंड पार्ट इसमें हो जाएगा डाइजेशन इन मिडगट, या डाइजेशन इन मिजेंट्रॉन। और तीसरा पार्ट हो जाएगा डाइजेशन इन हाइंडगट, या डाइजेशन इन प्रोक्टोडियम। तो आहार नाल के तीन मेन जोन है, अग्र आहार नाल या फोरगट या स्टोमोडियम, मध्य आहार नाल या मिडगट या मिजेंट्रॉन, और पश्च आहार नाल या हाइंडगट या प्रोक्टोडियम। तो स्टोमोडियम में डाइजेशन कैसे होता है, मिजेंट्रॉन में डाइजेशन कैसे होता है, और हाइंडगट में डाइजेशन कैसे होता है, इस पर मैं चर्चा करूँगा। तो फर्स्ट पार्ट जैसे इसका डाइजेशन इन फोरगट। अब फोरगट में पाचन का जो प्रोसेस होगा है, फोरगट में सबसे पहले जैसे माउथ, इसको मैं फ्लो चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि फोरगट में कोई पाचन प्रक्रिया होती नहीं है। सबसे पहले माउथ, और माउथ के चारों ओर क्या है, माउथ पार्ट्स प्रेजेंट है। तो जो इंसेक्ट बाइटिंग और चीविंग टाइप के हैं, यानी जो इंसेक्ट भोजन को काट के और चबा के खाते हैं, वो अपने मैंडिबल्स के द्वारा भोजन को डाइजेस्ट करेंगे, भोजन को कट करेंगे, और मैंडिबल्स के द्वारा भोजन के जो छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, एक तरह से मैकेनिकल डाइजेशन है। अब माउथ के बाद में भोजन एंटर करेगा फेरिंग्स में, माउथ के बाद में भोजन एंटर करेगा फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के बाद में ये भोजन फिर एंटर करता है ईसोफेगस के अंदर, ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस के बाद में भोजन एंटर करता है क्रॉप में, और क्रॉप के बाद में ये फिर भोजन एंटर करता है गिजार्ड्स में या प्रोवेंट्रिकुलस में। अब यहाँ पर माउथ के अंदर कोई एंजाइमेटिक डाइजेशन नहीं है, केवल मैंडिबल्स के द्वारा भोजन को चबाया जाता है, भोजन की पिसाई हो जाती है, भोजन की ग्राइंडिंग हो जाती है, और भोजन छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तरह से मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है वो इस माउथ वाले पार्ट्स में मैंडिबल्स के द्वारा संपादित हो जाएगा। इसके बाद फिर बकल कैविटी में आता है भोजन, बकल कैविटी से फिर फेरिक्स में आता है, फेरिक्स में कोई डाइजेशन नहीं होता है, इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। और ये जो है इसोफेगस है एक छोटी नलिका का रचना है, एक पाइप के समान रचना है। और इसोफेगस के बाद में फिर फोरगट का जो डायलेटेड पार्ट जो फूला हुआ जो पार्ट है
उस फुले पार्ट को क्रॉप के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर क्रॉप में क्या होता है, भोजन का स्टोरेज किया जाता है। यहाँ पर भोजन है वो स्टोर्ड रहता है, क्योंकि एक तरह से डायलेटेड पार्ट है, एक तरह से ये स्टोर हाउस है। एक तरह से जो अपनी बॉडी में आमाशय होता है, स्टोमक होता है, उसी तरह इसके अंदर क्रॉप है, इसको आप स्टोमक के समान मान सकते हो। तो इंसेक्ट जो भी भोजन खा रहा है उस भोजन का मैक्सिमम स्टोरेज इस क्रॉप के अंदर हो जाएगा। और जो फ्लूड फीडर इंसेक्ट होते हैं उसके अंदर स्पेशल एनाटॉमिकल डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, जिनको फिल्टर चैम्बर के रूप में अपन कल जैसे आपको मैंने बताया था। अब क्रॉप के बाद में फिर भोजन आएगा गिजार्ड्स में, और गिजार्ड्स होते हैं इसमें क्या होते हैं कि क्यूटिकल के ये पाए जाते हैं दांते, स्पाइन्स, क्योंकि फोरगट का पूरा जो इंटीरियर है वो क्यूटिकल के द्वारा रेखित होता है। क्योंकि फोरगट और हाइंडगट ये दोनों स्किन के इन्वेजिनेशन से बनते हैं, एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, इसलिए फोरगट की पूरी इंटरनल लेयर जो होती है वो क्यूटिकल के द्वारा रेखित होती है। और क्यूटिकल का मेन जो केमिकल कंपोनेंट है वो काइटिन होता है। तो ये जो गिजार्ड है इसके अंदर गरारी पाई जाती है, इसके अंदर दांते पाए जाते हैं, जैसे ग्राइंडिंग मशीन में, मिक्सर मशीन में वो दांते होते हैं और उसके द्वारा भोजन की जैसे ग्राइंडिंग हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, गिजार्ड के अंदर भोजन की एक तरह से ग्राइंडिंग होती है। और विशेषकर जो ब्लड को चूसने वाले जो इंसेक्ट हैं, ब्लड के अंदर तो क्या RBC भी होती है, WBC भी होती है, प्लेटलेट्स भी होती है, ब्लड के और प्रोटीन्स भी होते हैं। तो ब्लड में जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी कंपोनेंट की पिसाई है, उनकी ग्राइंडिंग इस गिजार्ड वाले पार्ट में हो जाती है। अब क्रॉप के अंदर डाइजेशन कब होगा, इसके अंदर डाइजेशन होता है या तो इंसेक्ट में रीगर्गीगेशन हो, यानी मिडगट के जो एंजाइम हैं वो रीगर्गीगेट होते हैं वॉमिटिंग के हिसाब से। तो मिडगट के एंजाइम कई बार क्या होते हैं क्रॉप के अंदर आ जाते हैं, और वो एंजाइम इसका फिर आंशिक पाचन करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन नहीं करेंगे, पार्शियल डाइजेशन करते हैं। इसके अलावा सेलिवरी ग्लैंड के द्वारा जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं, है मान लीजिए इंसेक्ट किसी प्लांट सेल्स को पंक्चर कर रहा है तो पेक्टिनेज एंजाइम जैसे रिलीज हुआ, ब्लड सकिंग इंसेक्ट है तो जैसे वो एंटीकोएगुलेंट का सीक्रेशन करते हैं, तो उस दौरान क्या है कुछ एंजाइम्स इस फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं, उस केस में यहाँ पर थोड़ा बहुत डाइजेशन है वो हो सकता है। लेकिन इसका भी परसेंटेज है वो ये मान के चलो आप 1-5% तक भोजन का यहाँ पर डाइजेशन हो सकता है बाई रीगर्गीट एंजाइम या सलाइवा के कुछ एंजाइम जिनकी मात्रा बहुत कम होती है, जिनकी कंसेंट्रेशन बहुत कम होती है, उनके द्वारा इसके अंदर डाइजेशन हो सकता है। तो फोरगट के अंदर डाइजेशन का ये प्रोसेस रहेगा। अब फोरगट और मिडगट के बीच में क्या होता है कि स्टोमोडियल वाल्व भी होता है, इस तरह मिडगट और हाइंडगट के बीच में वाल्व होता है। तो फोरगट और मिडगट के बीच में वाल्व है और ये वाल्व धीरे धीरे खुलता है। धीरे धीरे खुलने से क्या होगा, भोजन फोरगट से मिडगट के अंदर प्रवेश करता है। अब यहाँ पर क्रॉप के अंदर जो प्रेशर रहेगा ये प्रेशर फूड कंटेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा। तो स्टोमोडियल वाल्व धीरे धीरे खुलता है और भोजन फोरगट से हाइंडगट के अंदर प्रवेश करता है। और इंसेक्ट में मैक्सिमम डाइजेशन जो होगा, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ये मिडगट वाले पार्ट में होता है। अब मिडगट वाले पार्ट में भोजन का डाइजेशन तीन स्टेप में होता है, तीन स्टेज में होता है। और मिडगट के अंदर पेरियोट्रॉफिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, उस पेरियोट्रॉफिक मेम्ब्रेन के कारण उसके अंदर दो स्पेस बनते हैं, एक तो एंडोपेरियोट्रॉफिक स्पेस, एक एक्टोपेरियोट्रॉफिक स्पेस। और पेरियोट्रॉफिक मेम्ब्रेन जो होती है उसकी फॉर्मेशन मोल्डिंग के द्वारा हो सकती है, डिलेमिनेशन के द्वारा हो सकती है। तो पिछले व्याख्यान में जैसे मैंने इसको मैं हाइपोथेटिकली बना रहा हूँ, सपोज दिस इज फोरगट या स्टोमोडियम, फोरगट और मिडगट के जॉइंट पर ये हिपेटिक सीका प्रेजेंट है,
इसको गैस्ट्रिक सीका के नाम से भी जाना जाता है, हिपेटिक सीका के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद वाला जो रीजन है ये है मिड गट का, दिस रीजन मिड गट। और मिड गट और हाइंड गट के जॉइंट पर ये मेलपीजियन ट्यूबुल्स पाई जाती है। दीज आर मेलपीजियन ट्यूबुल। और मेलपीजियन ट्यूबुल के बाद में फिर ये हाइंड गट वाला पोर्शन ये स्टार्ट हो जाएगा। दिस पार्ट इज हाइंड गट। तो ये एक एलिमेंट्री कैनाल का एक सिंपल जैसे डायग्राम मैंने दिखाया, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। और ये जो मिड गट है इसके अंदर क्या होती है कि पेरियोट्रॉफिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, और ये मेम्ब्रेन एक तरह से पाइप के अंदर पाइप जैसे रचना होती है, या ट्यूब के अंदर जैसे ट्यूब होती है उस तरह की रचना है। दिस इज पेरियोट्रॉफिक मेम्ब्रेन, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PTM, पेरियोट्रॉफिक मेम्ब्रेन। अब इस मिडगट में जो डाइजेशन होगा वो तीन स्टेप में होता है। पहले स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट का जो डाइजेशन होगा ये संपादित होता है एंडोपेरियोट्रॉफिक स्पेस में। स्टेज फर्स्ट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन एंडोपेरियोट्रॉफिक स्पेस। और एंडोपेरियोट्रॉफिक स्पेस कौन सा है? ये वाला। तो भोजन जैसे मान लीजिए फोरगट से मिडगट के अंदर आ रहा है, क्यों? फोरगट में कोई एंजाइमेटिक डाइजेशन नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, मैंडिबल्स के द्वारा छोटा पाउडर बन गया होगा इसके अंदर, गिजार्ड के अंदर, गिजार्ड के दांतों से पिसाई जैसे हो गई होगी। तो मैकेनिकल डाइजेशन तो फोरगट में हो गया, केमिकल डाइजेशन यहाँ पर नहीं हुआ है। अब केमिकल डाइजेशन इस एंडोपेरियोट्रॉफिक स्पेस में होगा। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि बड़े आकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आगे से पीछे की तरफ फ्लो होते हैं, और जो जो ये मॉलिक्यूल आगे से पीछे की तरफ फ्लो होते हैं इनका धीरे धीरे डाइजेशन होता है और ये छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मोनोमर्स नहीं बनेंगे। मान लीजिए प्रोटीन्स हैं तो सपोज प्रोटियोज में कन्वर्ट हो गए, पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो गए, पॉलीसेक्राइड है तो मान लीजिए डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर कंप्लीट मोनोमर यूनिट यहाँ पर नहीं बनती है। हाँ, पार्शियल डाइजेशन यहाँ पर हो रहा है। तो बड़े मॉलिक्यूल हैं वो थोड़े छोटे मॉलिक्यूल्स में प्रवेश कर रहे हैं, और सबसे पहला जो डाइजेशन हो रहा है वो इस एंडोपेरियोट्रॉफिक स्पेस के अंदर संपादित होता है। तो यहाँ पर इसको अपन लिख सकते हैं स्टेप फर्स्ट डाइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप का जो डाइजेशन है ये एंडोपेरियोट्रॉफिक स्पेस में संपादित होगा। इसके बाद में सेकेंड स्टेप का डाइजेशन होगा, स्टेप सेकेंड। और सेकेंड स्टेप का जो डाइजेशन होता है ये एक्टोपेरियोट्रॉफिक स्पेस में संपादित होता है। इट इज कंप्लीटेड इनटू एक्टोपेरियोट्रॉफिक स्पेस। अब यहां पर क्या होगा, एंडोपेरियोट्रॉफिक स्पेस में जो फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट हुए हैं ये इस पेरियोट्रॉफिक मेम्ब्रेन्स को भेद कर इस एक्टोपेरियोट्रॉफिक स्पेस के अंदर चले जाते हैं, क्यों? पेरियोट्रॉफिक मेम्ब्रेन है ये बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए पारगम्य नहीं है। और फोरगट से जो स्टार्टिंग में जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं वो बड़े आकार के आ रहे हैं। ये बड़े आकार के मॉलिक्यूल इस पेरियोट्रॉफिक मेम्ब्रेन को भेद कर एक्टोपेरियोट्रॉफिक स्पेस में
प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन जब पार्शियल डाइजेशन हो जाएगा एंडोपेरियोटिक स्पेस में तो बड़े आकार के मॉलिक्यूल जो है वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये छोटे मॉलिक्यूल अब डिफ्यूज होकर कहाँ पर आ गए, एक्टोपेरियोट्रॉपिक स्पेस में। अब सेकेंड स्टेप का जो डाइजेशन है, सेकेंड स्टेप का जो डाइजेशन है वो इस एक्टोपेरियोट्रॉपिक स्पेस के अंदर संपादित होता है। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल और छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, है हमारे डाइसेक्राइड्स थी है वो मोनोसेकेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोटीज थे वो पेप्टॉन्स में कन्वर्ट हो गए, पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर तो क्या है कि बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर छोटे जो मॉलिक्यूल है वो और भी छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये इस एक्टोपेरियोट्रॉपिक स्पेस में पीछे से आगे की तरफ मोमेंट करेंगे, पीछे से आगे की तरफ मोमेंट करते हैं, फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एंडोपेरियोट्रॉपिक स्पेस में तो भोजन की मोमेंट हो रही है आगे से पीछे की ओर, फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन, और ये भोजन फिर एक्टोपेरियोट्रॉपिक स्पेस में आ गए, और यहाँ पर भोजन की मोमेंट हो रही है पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन, तो अपोजिट मोमेंट है जस्ट, और अपोजिट मोमेंट है इसका मतलब ये एक तरह से काउंटर करंट सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो गया है। तो एंडोपेरियोट्रॉपिक स्पेस में फूड पार्टिकल्स एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शंस में मोमेंट करते हैं, और एक्टोपेरियोट्रॉपिक स्पेस में फूड पार्टिकल्स पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शंस में मोमेंट करते हैं। अब जो जो फूड पार्टिकल्स पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शंस में मोमेंट करते हैं इसका और फर्दर डाइजेशन होता है, और लास्ट में फिर थर्ड स्टेप जो डाइजेशन की है ये हिपेटिक सीका के अंदर संपादित होती है, स्टेप थर्ड। और स्टेप थर्ड का जो डाइजेशन होगा ये हिपेटिक सीका में या गैस्ट्रिक सीका के अंदर संपादित होता है। अब ये भोजन कहाँ आ गया, इस एक्टोपेरियोट्रॉपिक स्पेस से ये भोजन अब किस में एंटर कर रहा है, गैस्ट्रिक सीका के अंदर, और गैस्ट्रिक सीका जो होती है इनकी कोशिकाओं में लाखों की संख्या में छोटी छोटी विलाई और माइक्रोविलाई पाई जाती है, इनकी कोशिकाओं में लाखों की संख्या में छोटी छोटी विलाई और माइक्रोविलाई पाई जाती है, और माइक्रोविलाई जहाँ भी पाई जाती है वहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ जाती है, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाती है, एक तरह से ब्रूस बॉर्डर का निर्माण होता है। तो इस गैस्ट्रिक सीका में माइक्रोविलाई का एक तरह से ब्रूस बॉर्डर प्रेजेंट है, और इस माइक्रोविलाई की जो सरफेस होती है उस सरफेस के ऊपर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं ब्रूस बॉर्डर एंजाइम, दे आर कॉल्ड एज ब्रूस बॉर्डर एंजाइम। अब इन ब्रूस बॉर्डर एंजाइम्स के द्वारा इसका फिर थर्ड स्टेप का डाइजेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप का डाइजेशन एंडोपेरियोट्रॉपिक स्पेस में हुआ, सेकेंड स्टेप का डाइजेशन एक्टोपेरियोट्रॉपिक स्पेस में हुआ, और थर्ड स्टेप का जो डाइजेशन है ये हिपेटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका में प्रेजेंट विलाई की सरफेस पे होता है, और इन विलाई के सरफेस पे ब्रूस बॉर्डर्स एंजाइम जो होते हैं ये पाए जाते हैं। अब यहाँ से ये पचे जो प्रोडक्ट है, अब यहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन हो गया इसका, अब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे हुआ, प्रोटीन का कैसे हुआ, फैट का कैसे हुआ है वो मैं इसके सब पार्ट में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर अभी इस फैटिक सीका से ये जो पचे हुए जो पदार्थ हैं ये डिफ्यूजन के द्वारा कहाँ चले गए, हीमोलिम्फ के अंदर, क्योंकि इंसेक्ट में कोई धमनी और सिराएं जैसी रचना नहीं है, इंसेक्ट की पूरी सिलोम के अंदर हीमोलिम्फ भरा हुआ है, बॉडी के सारे ऑर्गेन हैं वो ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके चारों तरफ सिलोम के अंदर हीमोलिम्फ भरा हुआ है,
अब इस हिपेटिक्सिका से जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं, जितने भी टर्मिनल प्रोडक्ट हैं डाइजेशन के, ये डिफ्यूजन के द्वारा कहाँ चले गए? हीमोलिम्फ के अंदर। और इस हीमोलिम्फ में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मोनोसेक्रेड है, ग्लूकोज है, तो वो हाथों हाथ ट्रीहेलोज में कन्वर्ट हो जाती है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ नहीं पाता हमेशा कभी भी। इंसेक्ट में ये कि स्पेशल फीचर होता है, ये मान के चलो। तो जितनी भी ग्लूकोज है डिफ्यूजन के द्वारा हीमोलिम्फ में गई, और हीमोलिम्फ में हाथों हाथ उसका ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो जाएगा? ट्रीहेलोज के अंदर। और ट्रीहेलोज है वो एक तरह की स्टोर्ड शुगर है, एक तरह की संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है जो इंसेक्ट के ब्लड के अंदर या हीमोलिम्फ में पाई जाती है। तो ये एक स्टेप है मिडगट में डाइजेशन की। अब इस मिडगट में अलग अलग पदार्थों का डाइजेशन कैसे होगा? क्यों, ये तो मैंने नॉर्मल प्रोसेस बताया है। स्टेप फर्स्ट का डाइजेशन एंडोपेरियोट्रॉपिक स्पेस में, यहाँ पर बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये छोटे मॉलिक्यूल फिर इस पेरियोट्रोफिक मेम्ब्रेन को भेद कर एक्टोपेरियोट्रो स्पेस में आते हैं, यहाँ पर सेकेंड स्टेप का डाइजेशन होता है। ये मॉलिक्यूल फिर आगे पीछे से आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं, और फिर गैस्ट्रिसिका में ब्रूस बोर्डर एंजाइम के द्वारा इसका थर्ड स्टेप का डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने बाद में ये मॉलिक्यूल डिफ्यूजन के द्वारा हीमोलिम्फ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब इस मिडगट में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होगा? मिडगट में प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होगा? मिडगट में लिपिड का डाइजेशन कैसे होगा? और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनको डाइज करने के लिए कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? और अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग तरह की स्पेशलिटी पाई जाएगी, क्योंकि इंसेक्ट की फीडिंग जो चॉइस है वो डाइवर्स टाइप की है। ये फाइटोफेगस भी है, सेंगीवोरस भी है, कार्निवोरस भी है, एंटमोफेगस भी है, एबनॉर्मल फूड प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, चमड़ा भी खा जाते हैं, केराटिन भी खा जाते हैं, बाल भी खा जाते हैं, ऊन भी खा जाते हैं, कोलेजन भी खा जाते हैं। लेकिन इंसेक्ट में हर फूड स्टफ्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा, इसका सब पार्ट मान लो मिडगट का, इसमें भी तीन पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले इसके अंदर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसका देन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और इसके बाद में डाइजेशन ऑफ फैट। तो इस मिडगट में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, इसके अंदर प्रोटीन का पाचन होगा, इसके अंदर फैट का पाचन होगा, और हर पाचन के लिए अलग अलग स्पेशल कैटेगरीज के एंजाइम जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये मैं आपसे फ्लो चार्ट के द्वारा, डायग्राम के द्वारा आपसे मैं शेयर करूँगा। तो मिडगट में जैसे मैंने बताया कि डाइजेशन तीन स्टेप में होगा। पहली स्टेप एंडोपेरियोट्रोपिक स्पेस में, सेकेंड स्टेप का डाइजेशन है वो एक्टोपेरियोट्रोपिक स्पेस में होता है, और फाइनल डाइजेशन है वो गैस्ट्रिक सीका या हिपेटिक सीका में होता है। अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, फैट का पाचन कैसे होता है, इन तीनों फूड स्टफ्स को मैं बहुत ही संक्षेप में मैं आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहला जो है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन अब कार्बोहाइड्रेट में मेन जो फूड प्रोडक्ट्स है इसमें स्टार्च हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है। अब इन सभी के पाचन के लिए इसमें लगभग सात तरह के, सात से भी ज़्यादा एंजाइम्स। तो जैसे ग्रासहॉपर्स के इंटेस्टाइन का जैसे पूरा एनालिसिस किया, दो साइंटिस्ट थे द्रोस्टे और जैबे, तो उन्होंने सिस्टोसरका के मिडगट में कार्बोहाइड्रेट को डाइस करने वाले जो एंजाइम है उन सभी एनालाइज को इन्होंने आइसोलेट किया है, सभी एंजाइम्स का इन्होंने डिस्कवरी करी है।
तो सिस्टोसरकाई की मिडगट में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम हैं वो मुख्य रूप से जैसे इस प्रकार हैं, जैसे फर्स्ट एंजाइम होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज, अल्फा ग्लूकोसाइडेज, बीटा ग्लूकोसाइडेज, ट्रिहेलेज, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो कुल मिलाकर ये 7 इंपॉर्टेंट एंजाइम हैं जो ग्रासहॉपर्स, लॉकस्ट, क्रिकेट, प्रेगमेंटिस यानी ऑर्थोप्टेरा के जो इंसेक्ट हैं उनकी मिडगट में ये मेन एंजाइम्स जो है वो पाए जाते हैं। अब इसमें स्टार्च का जब डाइजेशन होगा, तीनों का जैसे मैं थोड़ा थोड़ा जिक्र करूँगा, तो मान लीजिए स्टार्च का सबसे पहले जब डाइजेशन होगा तो स्टार्च सबसे पहले कन्वर्ट होता है आइसोमाल्टोज में, आइसोमाल्टोज ये कन्वर्ट होता है माल्टोट्रायोज में, और माल्टोट्रायोज जो होता है ये सबसे अंत में फिर कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज के अंदर। अब यहां पर स्टार्च का माल्टोज में जो रूपांतरण हो रहा है ये रूपांतरण एमाइलेज एंजाइम के द्वारा होता है, इट इज कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ एमाइलेज एंजाइम। अब माल्टोज जो है ये फिर अंत में माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में। तो इंसेक्ट में स्टार्च जो प्रोडक्ट होगा, स्टार्च है चूँकि एनिमल प्रोडक्ट है सारा, सॉरी प्लांट प्रोडक्ट है, तो फाइटोफेगस इंसेक्ट जो होते हैं उनको एज ए फीडिंग मटेरियल स्टार्च खाने को मिलता है, और ये स्टार्च एमाइलेज के द्वारा आइसोमाल्टोज, माल्टोट्रायोज, माल्टोज और लास्ट में फिर ये माल्टेज के द्वारा ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार्च जो है ये पॉलीसेकेराइड है, माल्टोज है ये डाइसेकेराइड है, और ग्लूकोज है ये मोनोसेकेराइड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पॉलीसेकेराइड का ट्रांसफॉर्मेशन मोनोसेकेराइड में हो रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्जन हो रहा है, और ये ग्लूकोज जो होता है ये हिपेटिक सिका की ब्रूस बॉर्डर्स के द्वारा फिर क्या होगा एब्जॉर्ब हो जाता है और हीमोलिफ में चला जाता है। हीमोलिफ में जाते ही ये ग्लूकोज फिर ट्रिहेलोज सर्करा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह सेलुलोज, अब सेलुलोज जो होंगे ये भी एक तरह का प्लांट प्रोडक्ट है, जो पौधों की सेल वाल के अंदर ये मेनली पाया जाता है, और विशेषकर जो टर्माइट्स जैसी होती है, टर्माइट है तो उसका मेन जो भोजन है वो तो लकड़ी होती है, काट होते हैं, गत्ते होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट जितने भी हैं, और टर्माइट जो होते हैं वो अपना पूरा टर्मेटोरियम बनाते हैं, अपनी पूरी कॉलोनी बनाते हैं। ये टर्मेटोरियम जमीन के अंदर भी हो सकते हैं, जमीन के ऊपर भी हो सकते हैं, जमीन के ऊपर होते हैं तो फिर माउंड के रूप में इनको जैसे जाना जाता है। तो टर्माइट के अंदर क्या होता है कि उसके इंटेस्टाइन के अंदर गट फ्लोरा पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के प्रोटोजोन एनिमल्स पाए जाते हैं, फ्लैजिलेट एनिमल्स पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये
जो गट फ्लोरा होते हैं वो इस सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। तो सेलुलोज के डाइजेशन के लिए सेलुलेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो जितना भी सेलुलोज होता है ये सेलुलेज एंजाइम के द्वारा, गट फ्लोरा के द्वारा, फ्लैजेलेट्स के द्वारा डाइजेस्ट होगा और सारा का सारा सेलुलोज जो होता है वो लास्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सेलुलोज की स्ट्रक्चरल यूनिट है वो एक तरह से ग्लूकोज ही होती है। इसके अलावा ग्लाइकोजन जो है, अब ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल प्रोडक्ट है, ये एनिमल का एक तरह से स्टोर्ड प्रोडक्ट है। तो जितना भी ग्लाइकोजन होगा ये सारा का सारा ग्लाइकोजन एंजाइम्स के एक्शंस के द्वारा लास्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब चूंकि ग्लाइकोजन है ये ब्रांच मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो लीनियर सीरीज होती है उसके अंदर तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ ब्रांचेस निकलती है वहाँ पर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो पहले जो ब्रांच मॉलिक्यूल होता है उसकी ब्रांचेस कटती है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम के द्वारा, और ब्रांच करने के बाद में फिर लीनियर श्रृंखलाएँ जो होती है उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होता है। तो ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम के द्वारा इसका पाचन होता है। तो जो जो इसका पाचन होगा सारे ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल अंत में कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज के अंदर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कार्बोहाइड्रेट कोई भी हो, चाहे वो स्टार्च हो, चाहे वो सेलुलोज हो, चाहे वो ग्लाइकोजन हो, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स अंत में मोनोमर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और मोनोमर मेनली कौन से होते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। तो स्टार्च है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, सेलुलोज है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजन है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट है वो सारा का सारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट हैं जैसे जू टर्मोफिसिस, एक इंसेक्ट है जू टर्मोफिसिस, और इसी जू टर्मोफिसिस में एनएरोबिक डाइजेशन होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब पाचन होगा तो इस डाइजेशन के द्वारा इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हाइड्रोजन बनती है, इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं। है ऑर्गेनिक एसिड्स में जैसे फॉर्मिक एसिड है, मैलिक एसिड्स हैं। तो एवाईवे डाइजेशन जू टर्मोफिसिस इंसेक्ट में देखने को मिलता है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होगा, पॉलीमर्स का डाइजेशन होगा, तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, हाइड्रोजन बनेगी और ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड्स फिर क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करते हैं और एनर्जी प्रोडक्शंस में ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक शॉर्ट में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब इसके बाद में फिर प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन है चूंकि ये एनिमल्स में भी पाया जाता है, प्लांट्स में भी पाया जाता है, और प्रोटीन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो होते ही होते हैं, इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन भी पाई जाती है, इसके अंदर सल्फर भी पाई जाती है। तो प्रोटीन का जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इंसेक्ट में मेन जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उसमें एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, सेकेंड एंजाइम इज पॉलीपेप्टिडाइज, पॉलीपेप्टिडेज, वन एंजाइम इज केराटिनेज, वन एंजाइम इस कॉलेजिनेज।
अब यहाँ पर ट्रिप्सिन जो एंजाइम्स हैं ये एंजाइम क्या करेंगे, प्रोटीन्स को प्रोटीओज में कन्वर्ट करते हैं प्रोटीओज को पेप्टोन में कन्वर्ट करते हैं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं लेकिन एमिनो एसिड तक का डाइजेशन इसमें नहीं होगा। तो स्टार्टिंग जो डाइजेशन है, इनिशियल डाइजेशन है प्रोटीन का, ये ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा संपादित होता है, परफॉर्म होता है। इसके बाद में फिर पॉलीपेप्टाइडेज एंजाइम जो होते हैं ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को डाइजेस्ट करेंगे, और पॉलीपेप्टाइडेज एंजाइम जो होते हैं ये भी तीन कैटेगरी के हो सकते हैं। एक तो एमिनोपेप्टिडेज, फर्स्ट इज एमिनोपेप्टिडेज, सेकेंड कैटेगरी हो सकती है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, और थर्ड कैटेगरी हो सकती है एंडोपेप्टिडेज। अब इनकी लोकेशन पॉइंट जो है, टारगेट पॉइंट है, वो अलग अलग होगा। सपोज ये मान लीजिए कोई पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला है और इस श्रृंखला में इधर वाला जो सिरा है ये एमिनो टर्मिनल कहलाएगा और इधर वाला जो सिरा है ये एसिडिक टर्मिनल कहलाएगा। तो जो एंजाइम प्रोटीन को एमिनो सिरे से डाइजेस्ट करते हैं वो एंजाइम तो क्या कहलाएंगे, एमिनोपेप्टिडेज। तो एमिनोपेप्टिडेज जो होते हैं वो प्रोटीन्स को एमिनो टर्मिनल से डाइजेस्ट करेंगे, और कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो होते हैं ये प्रोटीन्स को कार्बोक्सिल सिरे की तरफ से डाइजेस्ट करेंगे, और एंडोपेप्टिडेज एंजाइम जो होते हैं ये इस पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस को ये बीच में से डाइजेस्ट करते हैं। है सारे डाइजेस्ट करने वाले, लेकिन इनके अंदर पोलरिटी है, इनके अंदर स्पेसिफिसिटी है। तो एमिनो टर्मिनल से डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम है वो एमिनोपेप्टिडेज के नाम से जाने जाएंगे, कार्बोक्सी सिरे से डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज के नाम से जाने जाएंगे, और पॉलीपेप्टाइड को बीच में से डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम होते हैं ये एंडोपेप्टिडेज के नाम से जाने जाते हैं। अब इन एंजाइम का जब एक्शन होगा तो ये पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं फिर डाईपेप्टाइड में, और डाईपेप्टाइड जो होते हैं ये अंत में कन्वर्ट हो जाते हैं एमिनो एसिड्स में। तो प्रोटीन की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या होती है, एमिनो एसिड्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जितने भी कार्बोहाइड्रेट थे वो सारे ग्लूकोज में या मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो गए, जितने भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल थे ये सबसे अंत में एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए। इसके अलावा चूँकि इंसेक्ट की एबनॉर्मल डाइट भी होती है, तो इंसेक्ट जो होते हैं ये मैमल्स के बालों को भी भोजन के रूप में जैसे खाते हैं, और बालों में जो मेन प्रोटीन है वो केराटिन होता है, और केराटिन के अंदर सल्फर जो होती है, गंधक है, वो मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाती है, क्योंकि बालों में केराटिन में जो एमिनो एसिड्स हैं उसके अंदर सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो केराटिन का जो डाइजेशन होगा ये केराटिनेज एंजाइम्स के द्वारा होगा। तो विशेषकर जैसे ये जो अपने कॉकरोच है लेदर को खाता है, चमड़े को खाता है, बालों को खा जाता है, क्रिकेट जो होती है वो बालों को खा जाती है, तो इन इंसेक्ट्स में केराटिनेज एंजाइम भी पाया जाता है। और एक अबनॉर्मल एंजाइम इसमें और होता है कॉलेजिनेज, और कॉलेजिनेज है ये कॉलेजन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और कॉलेजन जो होता है वो अपने स्किन में डर्मिस के नीचे
अपनी स्किन में सबसे बाहर जैसे एपिडर्मिस हैं, इसके नीचे डर्मिस हैं, इसके नीचे फिर कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इलास्टिन प्रोटीन होता है, कॉलेजन प्रोटीन्स होता है। इलास्टिन प्रोटीन है वो स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, कॉलेजन है वो इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो कॉलेजन प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो कॉलेजिनेज एंजाइम्स के द्वारा संपादित होता है। अब तीसरा जो फूड स्टफ है इसमें, दैट इज फैट अथवा लिपिड। फैट का जो डाइजेशन है ये सिंपल है, और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज एंजाइम चाहिए, एस्टेज एंजाइम चाहिए। तो लाइपेज एंजाइम जो होते हैं ये तो लंबी फैटी एसिड श्रृंखलाओं के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, और एस्टेज जो होते हैं ये छोटी फैटी एसिड श्रृंखलाओं के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो इंसेक्ट में वसा का पाचन करने के लिए दो मुख्य एंजाइम्स जो है वो पाए जाते हैं, जिसमें एक एंजाइम तो होता है लाइपेज, और दूसरा एंजाइम होता है एस्टेज। तो लाइपेज जो होते हैं ये तो क्या करेंगे, जो लंबी श्रृंखला वाली जो फैटी एसिड्स हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, उनके प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करेंगे, और एस्टेज एंजाइम जो होते हैं ये छोटी श्रृंखला वाले जो एंजाइम होते हैं उनके प्रोडक्ट को ये डाइजेस्ट करते हैं। तो इस तरह एक ये नट सेल में मिडगट के अंदर होने वाला डाइजेशन। तो फोरगट के अंदर कोई डाइजेशन नहीं है, केवल रीगर्गीगेशन के एंजाइम कई बार फोरगट में पहुंच जाते हैं, वो भोजन का डाइजेशन करते हैं, या फिर मैंडिबल्स के द्वारा ग्राइंडिंग हो जाती है, गिजार्ड्स के अंदर ग्राइंडिंग हो जाती है, लेकिन एक्चुअल जो डाइजेशन होता है वो मिडगट के अंदर ही होता है। और मिडगट के अंदर फर्स्ट स्टेप का डाइजेशन एंडोपेरियोट्रॉफिक स्पेस में, सेकेंड स्टेप का डाइजेशन एक्टोपेरियोट्रॉफिक स्पेस में, और फाइनल डाइजेशन हिपेटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका में। और यहाँ पर तीनों प्रोडक्ट का डाइजेशन मैंने एक बहुत ही समरी के रूप में, बहुत ही नट सेल में शॉर्ट में मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन और फैट का डाइजेशन। अब लास्ट में हाइंडगट जो होती है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। अब हाइंडगट में फूड का डाइजेशन कैसे होता है, तो ये इसका अपना लास्ट पार्ट रहेगा, और इसके बाद में फिर अवशोषण कैसे होता है और इसका रेगुलेशन कैसे होता है, अभी इसके दो पार्ट अभी और मैं आपसे शेयर करूँगा। हाँ, अब जैसा मैंने बताया कि इंसेक्ट की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, सबसे आगे फोरगट, उसके बाद मिडगट, फिर हाइंडगट। फोरगट और हाइंडगट की फॉर्मेशन इन्वेजिनेशन के द्वारा होती है, ये एक्टोडर्मल ऑरिजिन की होती है, और भीतर की तरफ ये इंटीमा के द्वारा यानी क्यूटिकल के द्वारा रेखित होती है, और मिडडर्म की, मिडगट की जो ऑरिजिन है वो एंडोडर्म के द्वारा होती है, इसके अंदर क्यूटिकल का आवरण नहीं पाया जाता है। अब क्यूटिकल का आवरण जहाँ पर पाया जाएगा वहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस प्राय नहीं होता है, न तो डाइजेशन होता है न अवशोषण होता है, क्योंकि क्यूटिकल है वो एक तरह की एपिडर्मल लेयर है, एक तरह की एपरमेबल लेयर है। अब मिडगट और हाइंडगट के जॉइंट पर क्या होगा, एक तो वाल मिलेगा, जिस तरह फोरगट और मिडगट के जॉइंट पे स्टोमोडियल वाल होता है, उसी तरह मिडगट और हाइंडगट के जॉइंट पर पाइलोरिक वाल्व होता है, फोरगट और मिडगट के जॉइंट पर हेपेटिक सीका पाई जाती है, इसी तरह मिडगट और हाइंडगट के जॉइंट पर मेलपिजन ट्यूबल्स पाई जाती है। तो ओवरऑल देखें तो हाइंडगट के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन मेलपिजन ट्यूबल जो होती है उस मेलपिजन ट्यूबल में वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, उत्सर्जी उत्पाद जो होते हैं, वो उत्सर्जी उत्पाद इस हाइंडगट के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, और यहाँ पर अवशोषण मैक्सिमम होगा, क्योंकि इंसेक्ट में वाटर कंजर्वेशन की प्रॉब्लम रहती है। जो जलीय इंसेक्ट है उनमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंसेक्ट टेरेस्ट्रियल प्रकार के हैं, जो इंसेक्ट बहुत ज़्यादा डिजर्ट्स में पाए जाते हैं, उन इंसेक्ट में वाटर कंजर्वेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पर हाइंडगट में क्या होगा कि वाटर का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो होता है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, कोई आयंस हैं, एमिनो एसिड्स हैं, उनका अवशोषण इस हाइंडगट में देखने को मिलेगा। और कुछ इंसेक्ट में तो
मेलपिजिन ट्यूबुल का जो टर्मिनल पार्ट होता है वो हैंडगट के द्वारा कनेक्ट भी हो जाता है, उस एसोसिएशन को क्रिप्टोनेफ्रिजियल सिस्टम के नाम से जाना जाता है, वो भी एक तरह से वाटर कंजर्वेशन की डिवाइस है। तो ओवरऑल नट सेल में अपन कहें तो हैंडगटिंग के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है और यहाँ पर अवशोषण की प्रक्रिया है वो जरूर होती है। तो इस तरह इस चैप्टर का सेलिवेशन का पार्ट जैसे मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है और डाइजेशन का पार्ट मैंने आपसे शेयर कर लिया है। डाइजेशन में भी एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल डाइजेशन और इंटेस्टिनल डाइजेशन, इंटेस्टिनल में भी डाइजेशन इन फोरगट, डाइजेशन इन मिडगट, डाइजेशन इन हाइंडगट, और मिडगट है वो मेन रीजन होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसमें डाइजेशन भी मैक्सिमम होता है, अवशोषण भी मैक्सिमम होता है। अब इस टॉपिक के दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और हैं, जिसमें एक तो अवशोषण, क्योंकि डाइजेशन आपने देखा जितने भी कार्बोहाइड्रेट थे वो सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स में, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जितने जितने जो प्रोटीन मॉलिक्यूल थे वो सारे एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जितने भी फैटी मॉलिक्यूल थे वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो थे वो न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इन एंड प्रोडक्ट का अवशोषण कैसे होगा, तो अवशोषण का भी अलग अलग रीजन्स में अलग अलग विधि के द्वारा है, डिफ्यूजन के द्वारा हो सकता है, ऑस्मोसिस के द्वारा हो सकता है, पानी का अवशोषण कहाँ होगा, सोडियम का अवशोषण कहाँ होगा, ग्लूकोज का अवशोषण कहाँ होगा, एमिनो एसिड्स का अवशोषण कहाँ होगा, और लास्ट में फिर इसका कंट्रोल कैसे होता है, पाचन का कंट्रोल कैसे होता है, अब्जॉर्प्शन का कंट्रोल कैसे होता है। तो अभी इस चैप्टर के दो एस्पेक्ट और है और ये मैं नेक्स्ट व्याख्यान में आपसे शेयर करूँगा। एक एस्पेक्ट इसका रहेगा अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट और लास्ट पार्ट रहेगा इसका रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या रेगुलेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन। तो अभी इस टॉपिक के दो एस्पेक्ट, दो पहलू अभी हो रहे हैं, वो मैं आपसे नेक्स्ट व्याख्यान में शेयर करूँगा। और इसी के साथ में मेरी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।